नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हमारे पास आ चुकी है टाटा पंच ईवी। लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट रहने वाला है, एम्पावर प्लस एस वेरिएंट। इसमें आपको वेरिएंट्स मिल जाती है स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर और एम्पावर प्लस। आपको सनरूफ के लिए 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको 7.2 किलोवाट का चार्जिंग सॉरी चार्जिंग के लिए आपको चार्जर चाहिए होगा, तो आपको उसके लिए भी 50,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो चलिए शुरू करते। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से लुक ये पूरी बदल चुकी है टाटा पंच की। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो ही डीआरएल का भी वर्क करने वाले। नीचे आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाते हैं विथ फॉग लैम्प के साथ। नीचे एयर कर्टन्स भी मिल जाते हैं आपको एरोडायनेमिकली अच्छे रहने के लिए। और यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ओपनेबल है, जो कि आप अंदर से ओपन कर सकते। यहाँ पे आप हुड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ABS का मॉड्यूल और ब्रेक ऑयल, कूलेंट और ये नॉर्मल जो बैटरी रहती है वर्क के लिए, वो यहाँ पे रखी गई, क्योंकि इसी वेरिएंट में तो इंजन तो आता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट से लुक पूरी चेंज हो चुकी है, नेक्सॉन ही लग रही है डिक्टो। और यहाँ पे अगर हम साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंच की अलॉय व्हील मिल जाती है। अगर पूरी प्रोफाइल की बात करें तो 195/60 R16 के आप पूरे प्रोफाइल रहने वाली, ये पूरे डायमंड कट के साथ रहने वाली, ये सिर्फ ईवी वेरियंट में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही और मिल जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है डोर हैंडल पे, और ये आपको स्मार्ट की मिल जाती है। और अगर आप रूफ पे देखेंगे तो रूफ में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि पूरे पियानो ब्लैक फिनिश में ही अवेलेबल करवाई गई है। ये ड्यूअल टोन वेरियंट है पंच का, इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहे होंगे कलर ऊपर और नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल लाइट, टेल लाइट सेम आपको पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही मिलने वाली है इस वेरिएंट में, उसमें चेंज नहीं। यहाँ पे आपको रियर में डिफॉगर, वाइपर, वॉशर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये तीनों तीनों चारों चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे ऊपर आपको शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है इस वेरियंट में, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है पंच में। और पंच इस बार पूरी लोड होके आई है। और यहाँ पे आप साइड प्रोफाइल से देख सकते हो, बहुत मतलब अच्छी दिख रही है। अनरैप करके भी दिखाऊंगा एक बार। और यहाँ पे आपको तो स्किड प्लेट्स मिल जाती है, और नीचे आपको 360 डिग्री का मेरे का रियर कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए रियर सीट में चलते, रियर से बात करते। सीट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ वाइट कलर की यूज़ की गई है। और अगर डोर देखेंगे तो डोर में आपको ड्यूअल टोन मिलने वाला है व्हाइट और ब्लैक थीम के साथ। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल के स्विच मिल जाते हैं, डोर ओपनर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बॉटल रखने का स्पेस मिल जाता है। 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं आप यहाँ पे इजीली। और यहाँ पे अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीट आपको ऑफ वाइट कलर की मिलने वाली है, जो कि नेक्सॉन में भी आती है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट मिलते हैं, तीन नहीं मिलते। और 6 एयरबैग पंच के हर वेरियंट में आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले, हर वेरियंट में आपको 6 एयरबैग मिलने वाले पंच के वेरियंट में। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, और पेट्रोल में भी जल्दी स्टैंडर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ड्राइवर साइड डोर की भी सेम लुक है ड्यूअल टोन में। और ड्राइवर साइड जो डोर है उस पर आपको 4 पावर विंडोज मिल जाती है, जो ड्राइवर के जो डोर है वो मतलब जो विंडो की जो कंट्रोल है वही इल्यूमिनेटेड मिलने वाले। आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक है, या ऐसे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाले। इसके अगर साइज़ की बात करें तो 10.25 इंच के ये सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। सेम आपको एज इट इज आपको नेक्सॉन में भी अवेलेबल करवाया जाता है। ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MID को कंट्रोल करने के और क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ से ही कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। और टाटा का लिमिटेड लोगो भी आ चुका है इस वेरिएंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको MID के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया से रिलेटेड TPMS भी आता है, ये कंपास। और अगर आपको और डीप सेटिंग्स में जाना है तो आप डीप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बना के दूंगा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और पूरे 5 पैसेंजर्स के लिए भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर एज यूजल, हर हर सीट में अलग अलग सेंसर आपको दिए गए मिलते हैं। और यहाँ पे आपको रेंज दिखाता है कितनी रेंज बाकी है, टोटल आपकी व्हीकल में कितनी चार्जिंग में चल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34% पे 114 की रेंज दिखा रहा है, मतलब बहुत अच्छी रेंज देने वाला है आपको। यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, या आपको इंस्ट्रूमेंट सॉरी टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि सेम 10.25 इंच की ही रहने वाली है। इसमें आप वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, जो कि सेम आपको एज ए नेक्सॉन की तरह ही मिलने वाली। नेक्सॉन ईवी में जो जो आपको फीचर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले। और अगर आपको क्विकली कोई सेटिंग के जाना होगा तो यहाँ से आप सर्च करके डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं।
ये आपको पूरे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरा। और यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको इंटरफेस ऐसा मिलता है, और एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, आपके एसी वेंट्स, यहाँ पे ये पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाता है, हैजार्ड लाइट, टेम्परेचर कंट्रोल, फैन कंट्रोल, एसी के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे ही। यहाँ से आप चार्जिंग पोर्ट ओपन क्लोज कर सकते हैं, सॉरी ओपन कर सकते हैं, और चार्जिंग डिसकनेक्ट कर सकते हैं फॉग लैंप, हिल डिसेंट कंट्रोल का, और यहाँ पे आपको रियर का बूट ओपन करने का, लॉक अनलॉक, ये पूरे आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं फंक्शंस। और जो 360 डिग्री कैमरे का व्यू का बटन है वो भी यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और वहाँ पे आपको टाइप ए और टाइप सी दोनों चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाते हैं चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको ये ड्राइव मोड सिलेक्टर मिल जाता है PR&D, और यहाँ पे आपको टोटल टू मोड्स दिए जाते हैं। एक मोड दिया जाता है आपको स्पोर्ट्स, एम्बिएंट लाइट भी रेड कलर की हो जाती है, और अगर आप इको दबाते हैं इको इसमें मोड में तो ग्रीन कलर की लाइट हो जाती है, तो ड्राइवर मोड के हिसाब से भी ये चेंज होती है। और यहाँ पे आप सीट देखें तो पूरी ऑफ वाइट दी गई है। यहाँ पे आपको जो IRVM है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, ऑन ऑफ आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैबिन लाइट है वो पूरी LED दी गई है। यहाँ पे SOS के बटन और ये सनरूफ ओपन करने के स्विच मिल जाता है आपको, सनरूफ भी मिल जाती है इस वेरिएंट में। ये एम्पावर प्लस S वेरिएंट रहने वाला है जिसमें सनरूफ आती है। और यहाँ पे आपको वेनिटी मिरर मिल जाता है, लैंप वगैरह नहीं दिया जाता है कोई भी। और यहाँ पे अगर हम ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स भी आपको यहाँ पे एल्यूमिनेटेड मिल जाता है विथ कूल फंक्शन के साथ, और बहुत अच्छी स्पेस है, ऊपर आप आपका टैब रख सकते हैं आराम से, इतनी जगह दी गई है और इनफ है। और यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है ऑटो होल्ड के साथ, ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में ही आपको सेंट्रल कंसोल मिल जाता है, बॉटल होल्डर या फिर आप कप होल्डर बोल सकते हैं इनको। और यहाँ पे अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्पेस दी गई है इसमें भी। और 6 एयरबैग इस वेरिएंट में भी आते, मतलब स्टैंडर्ड है तो आपको टॉप वेरिएंट में भी ऑब्वियसली 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, और पैसेंजर एयरबैग आप ऑफ भी कर सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर वगैरह कोई नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप स्टेयरिंग देखेंगे तो वो भी स्टेयरिंग भी आपको ड्यूअल टोन में मिलेगा, अंदर से आपको ये क्रीमिश या फिर ऑफ वाइट, और बाहर से आपको ब्लैक कलर का लेदर मिलता है। एज यूजल आपको सफारी या फिर नेक्सॉन EV में जो मिलता है सेम उसी की तरह यूज़ किया गया है इसमें भी। और अगर हम बात करें तो इस वेरियंट की प्राइजिंग की, प्राइजिंग से याद आए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का भी व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 3D व्यू, बहुत ही मस्त लग रहा है 3D व्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड, बहुत साइड की आपको व्यू मिल जाते हैं ये रियर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मतलब क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी यूज़ की गई 360 डिग्री कैमरा की टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स ने क्वालिटी में काफ़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ ऐसे दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे अगर हम मैं बताऊँ तो इस वेरियंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है, तो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो चुकी है, आपको तीन मोड मिल जाते हैं इस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो चुकी है, तो यह गर्मियों के सीज़न में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो नेक्सॉन को सिर्फ फीचर के हिसाब से लेते थे EV को, उनके लिए अभी एक अल्टरनेटिव पंच EV भी आ चुकी है। ये मतलब सिटी यूज के लिए प्रॉपर कार रहने वाली है, और बजट भी आपको कम होगा तो आपको रेंज भी अच्छी देगी। आपको लॉन्ग रेंज में 421 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, जो कि इनफ है मेरे हिसाब से नॉर्मल यूज़ के लिए। और अगर आपको कोई भी टाटा मोटर के प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करनी हो, आप मुत्ता मोटर जालना में या मुत्ता मोटर के कोई भी ब्रांच में इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्राइस वगैरह डिटेल्स मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसमें आपको टोटल स्पेसिफिकेशंस क्या मिलते हैं और वेरियंट्स क्या मिलते हैं। और ये बहुत ही मतलब अच्छी EV रहने वाली, मार्केट डिस्ट्रॉय करने वाली है स्मॉल सेगमेंट में, और नेक्सॉन का भी मार्केट यही खाने वाली है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए ड्राइविंग रिव्यू जल्दी आ रहा है।